सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सुमिरन लागे श्री राम, जय राम, जय जय राम का भोलेनाथ ने उच्चारण किया। सती को पता लग गया कि भोलेनाथ समाधि से उठ गए हैं और सती इतनी खुश होकर के दौड़ी और जाकर भोलेनाथ को वंदन किया, प्रणाम किया। विपत्ति आई ना तो सती विनम्र हो गई। हाँ, वरना आप खुद देखो, सती ने भगवान को जाकर प्रणाम किया था क्या? उल्टे भगवान ने सती को प्रणाम किया था। हाँ, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। लेकिन इंसान कभी कभी विपत्ति में आकर बहुत विनम्र हो जाता है। आज सती ने भोलेनाथ को वंदन किया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है ना। भोलेनाथ ने सती के लिए अपने सामने एक आसन बिछाया कि देवी बैठो। सामने आसन देते ही सती ने कुछ और समझ लिया। सती की आंख में अश्रु आ गए, क्योंकि सामने आसन पत्नी का नहीं, मां का होता है। बाम भाग में अपनी प्रिया यानी पत्नी का आसन होता है और सामने मां का आसन होता है। जब सामने आसन दिया भोलेनाथ ने तो सती के दिल पर बड़ी चोट लग गई, आंख से श्रुधार बह पड़ी, सती रोने लगी। और सती को रोते देखा कि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, करुणा के अवतार हैं बाबा। सती की आंखों में आंसू न देख पाए, इसलिए सती के आनंद के लिए, सती की प्रसन्नता के लिए भोलेनाथ ने एक उपाय किया। हमें भी दुख की घड़ी में वो उपाय करना चाहिए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तहि काला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ राम कथा शुरू करते हैं और दुनिया को बता दिया कि दुखों से पार जाना हो, दुख से निजात पाना हो, तो आओ हरि आश्रय करो, भगवान की कथा का आश्रय करो, भगवान के चरणों का आश्रय करो, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने लिया और आपका दुख गया। एक ही उपाय है, हरि नाम का आश्रय करो, भगवान की कथा का आश्रय करो। संतों ने जगह जगह हमको दर्शन कराया, बार बार बताया कि दुख से मुक्त होना है तो इन सदग्रंथों का आश्रय करो। जब शोक मोह से घिर जाए, ऐसी जब कोई स्थिति आए जीवन में, उलझने आपको बहुत परेशान करें, जब शोक मोह से गिर जाए, तब गीता बचन हृदय लाए। जब शोक मोह जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता बचन हृदय लाए। तब गीता बचन हृदय लाए।
क्योंकि युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी मन चमन हमारा हरा हुआ, 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 मन चमन भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान युग युग का अनुभव भरा हुआ। रामायण में, भगवद गीता में, इन सदग्रंथों में युगों का अनुभव ऋषियों ने भरा है। इसलिए विपत्ति की घड़ी में, मुसीबत के काल में, दुख के समय में इन ग्रंथों को पढ़ो, इन ग्रंथों का आश्रय करो, जरूर इन ग्रंथों से आपको समाधान मिलेगा। कई लोगों का अनुभव होगा कि 4-5 महीने का जो लॉकडाउन रहा, जो भक्त लोग हैं उनके लिए रामायण और ये सब ग्रंथ न होते कितने बोर हो रहे थे। हाँ, शुरू शुरू में देखो हमारी सरकार ने भी तो रामायण का प्रसारण किया, क्योंकि घर में बैठे बैठे करोगे क्या। विपत्ति काल में समाधान का एक ही मार्ग दिखाता है और वो है सब ग्रंथ। भोलेनाथ ने भी राम कथा शुरू की। राम कथा में वो ताकत है, भगवान की कथा में वो ताकत है, आंसू वाले नेत्रों को भी हंसना सिखा दे, आनंद देता है। क्या कारण है कि बड़े बड़े शहरों में लोग कथाओं में इतनी भागने की भीड़ लगी रहती है? यही कारण है कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन जो हमारी आत्मा को चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। जो आत्मसुख चाहिए वो केवल और केवल भगवान के चरणों में, संसार में और कहीं आनंद नहीं है प्यारे। कहीं भी भटक कर देख लो, कहीं भी घूम कर देख लो, एक समय ऐसा आता है जब भगवान के चरणों में जाए बगैर हमको आनंद नहीं मिलता। बड़े बड़े बंगले बनवा लेते हैं लोग, खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी वो नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए, और वो तो भय भगवान के चरणों में। केवल और केवल हरि के चरणों में, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय करो। विपत्ति काल में केवल और केवल हरि नाम, ईश्वर को पुकारो। तो भोलेनाथ राम कथा गा रहे हैं, सती का मन कथा में नहीं, कथा ही सुनना होता तो बैठे बैठे यहां वहां क्यों देखती। हाँ,
अगस्त ऋषि के यहाँ गई थी, वहीं कथा सुन लेती। कथा से उसको प्रीति नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी हमारे पड़ोसी को लेकर आते हैं कि चल भाई कथा में चला, अब मना कर नहीं पाता है वरना हमको लगेगा कि ये नास्तिक है। तो आ तो जाता है संकोच बस, लेकिन कथा में मन नहीं लगता है। कभी कभी बैठे बैठे पांडाल देखता है, कभी इधर उधर देखता है, ये पहचान है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।